जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। ये CDS 2021 में आया हुआ, इसमें कहा अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 5 ईयर। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट अ 5% हायर रेट, इट वुड हैव फेस्ड ₹500 मोर। वट वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट? यानी एग्जामिनर ने कहा कि उसके पास कुछ अमाउंट था, उसने वो 5 ईयर के लिए दिया, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, उससे जो इंटरेस्ट मिला, और जब उसी अमाउंट को वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर देगा और वो 5 साल के लिए देगा, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा पहले वाले का और इसका जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कितना दे रहा है, वो ₹500 का डिफरेंस आ रहा है, और कह रहा है कि ₹500 ज़्यादा मिला। तो वो पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। और ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो 5% दे रखा है, इसको आप नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बीच का डिफरेंस दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि 25 बाय मैं 100 कर दूंगा डायरेक्ट से, ये मेरे पास क्या है, उस अमाउंट का डिफरेंस है, बट डिफरेंस है कितना मेरे पास में 500। तो ये 25 और 24, 100 इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 500 इंटू में 4, तो 5 और 20, तो ये मेरे पास में ₹2,000, यानी कि ₹2,000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। एक बार और देख लेते हैं इसे डिटेल से। प्रिंसिपल पी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास में आना कि मेरे पास में आर था, प्लस का 5% मैंने बढ़ा के लिया, अपॉन में 100 लिया, कितने ईयर के लिए लिया, 5 ईयर के लिए लिया, तो ये 5% इंक्रीज करने के बाद में मेरा इंटरेस्ट आया, इसमें से मैंने माइनस किया, पी इजकल टू में आर बाय में 100 इंटू में 5 ईयर, बराबर में डिफरेंस कितना आया मेरे पास में, ₹500 डिफरेंस है। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया पी, 5 पी बाय में 100 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो ये आर प्लस का 5 मेरे पास आ जाएगा, माइनस का आर मेरे पास ये आ जाएगा, और ये कितना हुआ आपका ₹500। इस आर से तो मेरा ये आर कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 25 बाय में 100, पी इजकल टू में कितना आ जाएगा आपका 500, तो 25 चौके 100, तो पी इजकल टू में कितना आएगा आपका, ये ₹2,000 आपका क्या आएगा, अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।